हैं ज्योतिष आचार्य अशोक एडवोकेट जी। भाई साहब सिद्धिपुरा करोलबाग में रहते हैं और उम्र है 63 वर्ष। वकील साहब जब हमारे पास आए थे तो राइट लेग में फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम थी, बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त कि बिल्कुल भी पैर पर कंट्रोल था ही नहीं, चलने में बिल्कुल पैर जो है वो लटक जाता था ड्रॉप होने की वजह से, और साथ में राइट हैंड में बहुत सीवियर फ्रोजन शोल्डर, जिसकी वजह से सारी सारी रात आप सो नहीं पाते थे और लिखना या कोई मूवमेंट करना वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। बघेल साहब का अपने यहां ट्रीटमेंट जो है न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट वो 1.5 महीना हुआ और 1.5 महीने के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से वकील साहब ने क्या महसूस किया और क्या परिणाम पाए वो आज आपको स्वयं ज्योतिष आचार्य अशोक एडवोकेट जी बताएंगे। बताइए आचार्य जी। जब मेरा यहाँ आना हुआ, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सुरेश जी जो कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, उस वक्त मेरे हाथ के अंदर बहुत जबरदस्त मेरा ये फ्रोजन शोल्डर था, मेरे हाथ से कोई काम नहीं होता था, ना मैं स्कूटर चला पाता था ना मैं गाड़ी चला पाता था। तो जब भाई साहब ने मेरी हालत देखी बोले ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ नहीं उठ रहा, तो उन्होंने डांट डपट के कहा कि तू मेरे पास क्यों नहीं आता। तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब पहलवान है क्या, मैंने कहा भाई साहब कहाँ है। तो उन्होंने मुझे कहा गौशाला रोड में जो पुरानी पुलिस चौकी थी उसके सामने, वहां पर देवेंद्र जी नरेंद्र जी करके अपने दो डॉक्टर साहब हैं, वो न्यूरोथेरेपी से इलाज करते हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत पहलवानों से उसको मसलवा चुका हूँ, 4-5 साल मुझे हो गए हैं, ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, मैं सारी सारी रात सो नहीं पाता, करवटे में बदल नहीं पाता, गाड़ी में चला नहीं पाता, आप क्या मेरे से मजाक कर रहे हो, क्या मेरा ठीक हो पाएगा, बोले एक बार आओ तो सही। उनके विशेष आग्रह पे मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मेरी देवेंद्र जी से जो यहाँ के संचालक थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि साहब मेरे को इस तरह ये दिक्कत है। वहाँ पर मेरे को नरेंद्र जी भी मिले, नरेंद्र जी भी सारी बातें सुन रहे थे, सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने मेरा पूरा बायोडाटा लिया, आप क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आहार बात आपका आहार कैसा है, विचार कैसे हैं आपके, सब कुछ करने के बाद उन्होंने बड़े साधारण मन से मुझे कहा आप चिंता मत करें ठीक हो जाएगा। अब वहाँ पर मेरे छोरे भाई साहब भी बैठे थे, मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा वो तो बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे एकदम ठीक हो जाएगा, ये तो बड़े आराम से कह रहे हैं हाँ भाई साहब ठीक हो जाएगा चिंता मत करो, ऐसा आश्वासन ही नहीं दे रहे। फिर भी करते करते मैंने जब इनको विशेष जोर दिया कि मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा, तो ये बोले कि आपकी बॉडी के ऊपर हो सकता है आप 15 दिन ठीक हो जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। तो मैं बड़ा कश्मकश में पड़ गया कि मैं न्यूरोथेरेपी लूं ना लूं। फिर मैंने चर्चा करके मैंने फैसला किया कि भाई मुझे कर ही लेना चाहिए। फिर भी मैंने भाई साहब से थोड़ा सा प्यार मिलाकर एक आग्रह किया कि वैसे कब तक हो जाएगा, बोला देखो चिंता मत करो 2-4-6 महीने में हो जाएगा। फिर भी मैंने मुझे उनसे उनको ज्वाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे कराना शुरू किया। अभी 1 हफ्ता ही बीता था और रात को मेरी करवट बदलनी शुरू हो गई। मैंने कहा वो तो मुझे कह रहे थे 6 महीने में हुआ, तो 6 दिन के अंदर ही मेरी करवट बदल गई। अगले 1 हफ्ते के अंदर मेरा हाथ उठना शुरू हो गया, उसके अगले हफ्ते में मेरा यहाँ चलना शुरू हो गया, 1.5 महीने के अंदर तो मेरा हाथ बिल्कुल ही ठीक हो गया। तो मैंने भाई साहब से आग्रह किया, मैंने कहा भाई साहब आपने मुझे बहकाया क्यों, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। बोले आप हमारे पास अशोक जी आप बैठिए, हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो ये चाहते हैं कि हम हाथ लगाए और ठीक हो जाए, और 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीने का टाइम भी नहीं देते, और 1.5 महीने भी कराते हैं 2 महीने कराते हैं, तो 2 महीने के अंदर 200 बार उनके ऑपरेशन हो जाते हैं कि हमारा कब ठीक होगा, कितना ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा। तो मैंने चूंकि आप अपने भाई सुरेश जी के साथ आए थे तो मैंने कहा सुरेश जी ने बता दिया होगा, लेकिन मेरे भाई साहब जो सुरेश जी थे उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद जो मैं तेल की मालिश करता था, मैंने विभिन्न प्रकार के खारी बावली से और नाना प्रकार के बाजारों से तेल मैंने खरीद रखे थे, पूरी घर में एक दुकान सजा रखी थी जिसकी मैं मालिश करवाता था, तब से जब से मैंने न्यूरोथेरेपी कराई तब से मेरे को आज तक दोबारा मालिश की आवश्यकता नहीं पड़ी।
अभी ये सब ठीक ही हुआ था। उसके करीब 3 महीने बाद मेरे को अचानक मेरे पांव के अंदर ये फुट ड्रॉप हुआ। मेरा पांव आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि उस वक्त ये बिल्कुल इस तरह लटक गया था, और जब मैं पांव भी जब रखता था तो इसी तरह करके रखता था, इसी तरह करके रखता था। मैंने अपना पांव गंगाराम हॉस्पिटल, कपूर हॉस्पिटल चंडीगढ़, और जहां जहां मेरी जान पहचान थी मैंने मालिश वाले पहलवानों को, मैंने सबको दिखाया, तो सबने मुझसे यही कहा कि भाई साहब फुट ड्रॉप आज तक किसी का ठीक नहीं हुआ, फिर भी कोशिश करके देखेंगे शायद आपका ठीक हो जाए। फिर मैं इनके पास आया, मैंने कहा भाई साहब मैं किस तरह हो गया, तो इन्होंने कहा वही, इन्होंने वही मुस्कुराकर कहा, उस वक्त नरेंद्र जी और एक हमारे मित्र ज्ञान जी ये भी बैठे थे, देवेंद्र जी भी बैठे थे, उन्होंने कहा हो जाएगा 6 महीने में साल भर भी ठीक। तो मैं बड़ा रुहासा सा हो गया, मैंने कहा भाई साहब चाहे साल लग जाए 6 महीने लग जाए तो क्या मैं चल पाऊंगा, बोले बिल्कुल चल पाओगे। फिर सूरज भाई साहब से उन्होंने मुझे डांटा देवी, बोले तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, नीरज देवी तेरे को शक है, मैंने कहा जी शक नहीं, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि फूड ड्रॉप भी कभी ठीक हो जाता है, 5-6 केस मेरे पास सामने है। सभी ने मुझे कहा कि आपका पांव ठीक नहीं होगा, अब आप हलाल से समझौता कर लो और ऐसे ही लगा के चलो, अब भागना होना दौड़ना आपकी जिंदगी से बंद हो गया, पहलवानी आपकी बंद हो गई, आपको भगवान के सहारे रहना पड़ेगा। फिर मैंने इनके यहाँ ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और वही हुआ, 1 महीने तक तो मुझे ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद जो अगला 1 महीना गुजरा उसके अंदर मेरा आधे से ज्यादा पांव चलना शुरू हो गया, मेरे पांव में चींटियां सी काटनी शुरू हो गई, मेरी नसों में इस तरह लगता था जैसे चींटियां काट रही हैं। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करते करते 3 महीने के अंदर मेरे को चलने के काबिल कर दिया, जिसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं ये भी कोशिश में हूँ कि ये जो न्यूरोथेरेपी है हमारे देश के बच्चे सीखें, इसको आगे बढ़ाएं, ये जो न्यूरोथेरेपी जो अब तक दबी हुई थी ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए। और उसके बाद मैंने कम से कम 10-15 क्लाइंट मैंने और भेजे, सबने मुझसे यही प्रश्न किया कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, और जब वो मुझे 1.5-2 महीने बाद मिले तो सबने कहा हम तो ठीक हो गए। तो मैं मुझे बड़ा घमंड है, मुझे बड़ा हर्ष का विषय मेरे लिए कि मेरे क्षेत्र के अंदर इस तरह का जो कार्य हो रहा है जिससे हमारे लोगों को दवाइयों में पैसे ना खर्च करके और कोई मालिश वगैरह ना करके न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियां बड़े से दर्द, हालांकि मेरी मिसिस जो कि मेरे पर विश्वास नहीं करती थी, जो कि न्यूरोथेरेपी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, उनकी कमर में भयंकर दर्द आता था, उनको भी फ्रोजन शोल्डर की बीमारी थी और वो मानती नहीं थी कि इस तरह कभी ठीक हो सकता है। वो कभी फिजियोथेरेपी कराने जाती, कभी कहीं वो गर्म पट्टियां रखवाने जाती, उनको मैं आग्रह करके लाया, मैंने उनको अपने भाई साहब से मिलवाया सूरज जी से, सूरज जी ने कहा जब भाई ठीक हो गया तो तू क्यों नहीं ठीक होगी। फिर देवेंद्र जी से मिलवाया, देवेंद्र जी ने और नरेंद्र जी ने उनका पूरा ब्यौरा लिखा, पूरा आचार व्यवहार लिखा कि क्या हम खाते हैं, क्या हमारी दिनचर्या, दिनचर्या के बाद उनको भी 1.5-2 महीने के बीच में उनको ठीक कर दिया। आज मेरी जो मिसिस है उनको भी यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो मुझसे कहती है कि कभी कभी 2 महीने में 3 महीने में 6 महीने में 1 हफ्ते की क्लास उनको लेनी चाहिए ताकि हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहे। मैं माननीय अपने देवेंद्र जी का, नरेंद्र जी का, ज्ञान भाई साहब का, भाई सुरेश जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये विशेष कार्य ये जो कर रहे हैं इससे समाज का बहुत जबरदस्त भला होने वाला है। और मैं इनसे ये भी उम्मीद करूंगा कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को ये तरह की शिक्षा दें, पढ़ाई दें और उनको इसी तरह के डॉक्टर बनाएं। धन्यवाद।